मणिकुंतला जी से निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम का शुरुआत गांधी जी के प्रिय भजन से करें। Thank you.
बहुत धन्यवाद। अब हम आज का कार्यक्रम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में माननीय वक्ता कृष्ण कुमार जी उपस्थित। कृष्ण कुमार जी के परिचय से दिल्ली शहर ही नहीं, जो भी शिक्षा जगत के लोग हिंदुस्तान भर में हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं, वे उनके नाम से परिचित हैं। शिक्षा जगत में इनकी एक अहम भूमिका रही है और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए इनके प्रयास की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर के रूप में इन्होंने जो पाठ्यक्रमों का निर्धारण बच्चों के लिए कोशिश करने का काम किया वह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है। और आज हम गांधी शांति वार्षिक व्याख्यान माला में उनको आमंत्रित करके और हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज के व्याख्यान का फिर वो अभी आपके बीच में अपनी बातों को रखेंगे। इससे पूर्व मैं दो तीन बात आप लोगों से समक्ष रखना चाहता हूँ। आदरणीय कृष्ण कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि वे अब आज का व्याख्यान आप सबके समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी मित्रगण, गांधी जयंती पर इस व्याख्यान के लिए आमंत्रण पाकर मैं निश्चित रूप से बहुत ही असमंजस महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इस व्याख्यान का जो स्थान रहा है दिल्ली शहर में पिछले कुछ वर्षों में, उस स्थान में अपनी उपस्थिति को मैं इत्मीनान से बचा नहीं पा रहा हूँ। जिस विषय को यहाँ पर आपके बीच उठाना मैंने तय किया, उसको लेकर के भी मेरे मन में लगातार ये असमंजस रहा है कि क्या एक व्याख्यान के जरिए इस विषय को प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे एक गली हो, कच्ची गली, जिसमें बरसात में कीचड़ हो जाता है, फिर भी तरह तरह की गाड़ियां गुजरती रहती हैं और कीचड़ को मथती रहती हैं, ऊपर नीचे करती रहती हैं। बाद में जब ये वाला महीना आता है सितंबर का, तो वो कीचड़ सूख जाता है और गाड़ियों के आने जाने से जिस तरह वो कीचड़ मथा गया था, ऊबड़ खाबड़ हो गया था, वो सूख जाने पर और भी ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, वहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। भाषा का सवाल भी आज कुछ इसी स्थिति में है और इसलिए आप मेरा असमंजस, मेरी चिंता समझ सकते हैं कि आज 2012 में इस विषय पर बोलना क्यों मुझे एक कठिन काम, इतना कठिन काम लग रहा है, जैसे ये कोई विशेष साहस की मांग करता है और आप सबके सानिध्य की तो करता ही है। हम एक विभाजित समाज में जी रहे हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई विशेष मीमांसा करना, उदाहरण देना आवश्यक नहीं है। दैनिक जीवन ही अपने आप में पर्याप्त होता है। सुबह से शाम तक इस विभाजित समाज के अनेक लक्षण हमारे सामने से गुजरते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरी कक्षा में एक नहीं कम से कम दो समाज तो निश्चित रूप से आप जैसे ही प्रवेश करते हैं दिखलाई देते हैं। एक वो समाज जो अपनी बात केवल अंग्रेज़ी में करता है, दूसरा समाज जो अपनी बात हिंदी में करता है, और इन दोनों के भीतर भी कई समाज हैं जिनके चलते शिक्षक की भूमिका निभाना आज बहुत ही दूभर हो गया है। मुख्यतः मेरी भूमिका एक शिक्षक के रूप में अब एक अनुवादक की रह गई है,
जो अपनी एक बात कहता है फिर उसको दूसरी भाषा में अनुदित करता है, फिर अपने पहले वाक्य के बारे में कुछ आगे बढ़ाता है, देखता है अलग अलग वर्ग के छात्रों की आँखों की तरफ कि जो बात कही वो किस रूप में किस हद तक पहुँची, और एक मिली जुली भाषा में जब उनके उत्तर मिलते हैं तो अंदाज लगाता है कि वो कितना समझे हैं, किस रूप में समझे हैं। इस स्थिति में जीते हुए अक्सर हमारा ध्यान इस सरल निष्कर्ष की ओर भटक जाता है कि शायद ये विभाजन भाषा ने या भाषा नीति ने किया है। आज के व्याख्यान में मैं यह सिद्ध करने का प्रयास करूंगा कि भाषा ने यह विभाजन नहीं किया है, भाषा तो उसे अभिव्यक्ति दे रही है। आखिर विभाजन आर्थिक राजनीतिक निर्णय करते हैं, नीतियां करती हैं, इतिहास के चलते नए वर्ग बनते हैं, वर्गों के बीच की दूरियां पुख्ता होती हैं। भारत जैसे जाति विभाजित समाज में जहां पहले ही अनेक विभाजन थे और कई विभाजन पहले से ज़्यादा पैने हो गए हैं, कई नए विभाजन जुड़ गए हैं, इस विभाजन की ज़मीन अवश्य आप कह सकते हैं कि उस विघटन से तैयार हुई है जो भाषा के स्तर पर पिछले अनेक दशकों से, बल्कि आप कहें तो जो पिछली सदी बीती है उसके दूसरे या तीसरे दशक से ही, यानी 1930 के आसपास से आरंभ हो गया था। उस विघटन का थोड़ा बहुत जायज़ा आज महात्मा गांधी की जयंती के दिन लेना मेरे इस संक्षिप्त से प्रयास का एक उद्देश्य है, क्योंकि आज हम जहां हैं किसी इतिहास के चलते वहां पहुंचे हैं, और इस जगह से आगे हमारे क्या निर्णय होंगे, हमारी क्या तैयारी होगी, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि हम उस इतिहास को जो मेरी दृष्टि में 1930 के दशक से आरंभ हुआ किस हद तक ठीक से समझ पाते हैं। विघटन का इतिहास, विघटन वो ज़मीन है जिसमें विभाजन सुगमतापूर्वक होता है। भाषा के जरिए वो विघटन किस तरह हुआ, इस बात से अगर इस प्रसंग की शुरुआत की जाए तो सहज ही ध्यान हमारा आज के समय में शिक्षा पर जाता है, जहाँ ऐसा लगता है कि जैसे अंग्रेज़ी का वर्चस्व पहले से कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैल गया है। शायद वही सबसे ज़्यादा एक प्रकट इस बात का प्रमाण आम आदमी को लगता है कि अब हिंदी शिक्षा की भाषा नहीं रही, और शिक्षा के जरिए जो अवसर जीवन में खुलते हैं उनकी भाषा भी नहीं रही। वो देखता है कि हमारे नगर में, इतने महानगर में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे नगरों में भी, यहाँ तक कि गाँवों में भी, बहुत छोटे गाँवों में भी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल बहुत बड़े पैमाने पर बहुत तेज़ी के साथ खुलते चले गए हैं, और एक साधारण हैसियत का अभिभावक भी आज अपनी संतान को पैसा बचाकर उन स्कूलों में भेजना आवश्यक मानता है। और इस प्रकट लक्षण के आधार पर एक साधारण व्यक्ति सोचता है कि शायद जिस बात की ओर यहाँ इशारा किया जा रहा है, वो सोचता है कि वो बात कि समाज बट रहा है, वो बात शायद अंग्रेज़ी के वर्चस्व के चलते ही हो रही है, या अंग्रेज़ी का वर्चस्व ही उसका कारण है, वो इस तरह से सोचता है। पूरी तरह गलत भी नहीं सोचता, लेकिन इस बात में जिस तरह की सच्चाई है उसकी ओर भी ज़्यादा गहराई से ध्यान देना ज़रूरी है। ये सच है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में जब कोई भाषा एक स्थिरता प्राप्त कर लेती है तो वो सिर्फ